हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो फिलहाल अपने पास है आज ओला S1 और आज की वीडियो के अंदर ना हम इसका रिव्यू करने वाले हैं, मीन्स इसके ना मोड टेस्ट करने वाले हैं कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। और आपको पता होगा अब तक जितनी भी वीडियोज़ है ना वो सारी की सारी पेट्रोल बेस्ड व्हीकल्स की थी, लेकिन ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, आज अपने हाथ लग गया ये, तो हमने सोचा यार वीडियो बना लेते हैं इसके ऊपर। तो इसके अंदर ना तीन मोड आते हैं, इको मोड, स्पोर्ट्स मोड और नॉर्मल मोड। तो इसमें ना इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे कि ये कैसे चलती है। तो सबसे पहले अपना नॉर्मल है, देखो स्टैंड पे लगी हुई है, उठा स्टैंड हटाया और इसको करते हैं अनलॉक। यहाँ पे इसका बटन है ये वाला, ये पासवर्ड मांग रहा है, ये अनलॉक हो गई। तो अनलॉक होने के बाद ना इसको अगर स्टार्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो स्टैंड जो है ना वो पूरा ऊपर, ब्रेक दबाई, यहाँ पर ये बटन है इसको प्रेस करा, देखो स्टार्ट होगी। तो अभी फिलहाल ये है नॉर्मल मोड पे, अगर मुझे इसको इको मोड पे ले जाना है तो ये इको मोड हो गया, और अगर मेरे को इसको स्पोर्ट्स मोड पे लेके जाना है, एक बार प्रेस करा नॉर्मल, फिर प्रेस करा फिर स्पोर्ट्स। तो इसके ना एक एक मोड को हम टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि किस मोड के अंदर ये कितनी स्पीड तक जा रही है। तो सबसे पहले अपना इको मोड पर लगाते हैं इसको। देखो अगर नॉर्मल से स्पोर्ट्स करोगे तो अपना बस एक एक बार प्रेस करना है, लेकिन अगर आपको इको मोड लगाना है तो इसको प्रेस करके रखना पड़ेगा। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो देखो अभी ये इको मोड पे है, सामने इस रोड पे टेस्ट करते हैं कि ये कितनी जाएगी। तो चले स्टार्ट करें, थ्री, ये पहले देख लो ब्रेक छोड़नी पड़ेगी नहीं तो चलेगी नहीं, देखो अब चल रही है। तो 3 2 1 देखो ये इसका इको मोड है, कितनी स्लो चल रही है। अब देखते हैं मैक्सिमम स्पीड इसकी कितनी आएगी इको मोड के अंदर, और टाइमर भी आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम स्पीड तक कितनी देर में पहुंची है। तो यहाँ पे ये मैक्स आउट हो गए, देखो इससे ऊपर नहीं जा रही, मैंने पूरी रेस दे रखी है। तो इसके अंदर जो इसकी रेंज है ना वो काफ़ी अच्छी निकल के आती है, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर की जो रेंज है ना वो निकल आती है फुल चार्ज में इसमें, और जो प्रो मॉडल है उसमें तो और ज़्यादा निकल के आती है। लेकिन इसके अंदर देखो इको मोड में इसकी स्पीड गई है 42 तक बस। अब इसका ना दूसरा मोड टेस्ट करेंगे, एक बार आगे से मोड़ लेता हूँ मैं। तो अभी ये इको मोड में थी, अब इसको लगाते हैं नॉर्मल मोड में। ये देखो नॉर्मल मोड में लगी, तो अब देखते हैं ये 0 से कितनी स्पीड तक जाती है और कितनी देर में पहुंचते हैं, और टाइमर में आपको पता चल जाएगा। ये स्टार्ट कर दी, अब थोड़ा पिकअप बड़ा है, पहले तो ऐसा लग रहा था रो रो के जा रही है, और देखो स्पीड देखो अब कितनी जल्दी जा रही है इसकी। देखो मैक्सिमम देखते हैं कितनी तक जाएगी ये, 81 यहीं पर आगे मैक्स आउट हो गई है, इससे ऊपर नहीं जा रही। तो ये इसका कुछ नॉर्मल मोड था, अभी इसका स्पोर्ट्स मोड देखेंगे। स्पोर्ट्स मोड में मेरे ख्याल से ना इसकी बहुत ज़्यादा पावर है, तो देखते हैं कितनी तक जाएगी मैक्स और कितनी देर में पहुँचेगी। अभी ये 80 पे मैक्स आउट हो चुकी है, अब इसको मोड लेते हैं एक बार। ब्रेकिंग भी ठीक है यार, सामने से रुक गई, और अगर मैं इसकी ब्रेक दबा के रेस दूंगा देखो ये चलेगी नहीं। तो बस अभी नॉर्मल मोड पे, अभी इसको करते हैं वापस से स्पोर्ट्स मोड, इसको करते हैं एक बार और प्रेस, ये आ गया स्पोर्ट्स मोड। तो 3 2 1 यार स्पोर्ट्स मोड में तो और ज़्यादा पिकअप है, देखना कितनी जल्दी पहुंच गई है, 40 क्रॉस 50 60 70। एक बार बंद करता हूँ वाइजर, आप देख सकते हो यार कितनी तेज जा रही है ये, 96 तक ये मैक्स आउट हो गई है, इससे ऊपर नहीं जा रही, 95। फिर भी यार काफी ठीक है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इतना पिकअप। देखो कितनी आसानी से रुक भी गई, एक बार और टेस्ट करें इसको वापस से, एक बार मैं करता हूँ इसको स्पोर्ट्स मोड पे रहने देते हैं, स्पोर्ट्स मोड पे देखते हैं दोबारा, मैक्सिमम देखेंगे कि 95-96 तक जाएगी या और जाएगी। तो चलो तक ही जा रही है यार, इससे ऊपर नहीं जा रही। अब ब्रेकिंग देखें, 3 2 1 तुरंत तुरंत काफी अच्छी ब्रेकिंग है। तो ये कुछ इसकी परफॉर्मेंस थी, बाकी मैं आपको इसकी थोड़ी सी और डिटेल्स बताता हूँ और उसके बाद इस वीडियो को फिर एंड करेंगे।
एक बार इसको रोक लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल इसके मीटर के बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये ऑन ऑफ का स्विच था, यहाँ पे मोड चेंज करने का था, और यहाँ पे देखे किस चीज़ का है, ये वॉल्यूम का। देखो वॉल्यूम अप डाउन, मतलब कि इसके अंदर ना स्पीकर भी है, और ये हो गया इसका लाइट, पासिंग लाइट। देखो ये जो लो बीम होती है और हाई बीम होती है ना, उसको चेंज करने के लिए, जैसे अभी देखो ये चेंज हो रही है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका एक रिवर्स मोड है, इसको बटन को दबाया, देखो रिवर्स लग गई। अब इसको देखो पीछे करा मैंने तो ये रिवर्स जा रही है, ठीक है, लेकिन स्पीड ज़्यादा नहीं है। देखो 3-4 इतनी स्पीड में है, और देखते हैं ये 2-2 कर रही है। और इसमें ये इंडिकेटर हो गए इसके लेफ्ट राइट के, ये हॉर्न, ये आप हॉर्न देख सकते हो। अब इसको पहले हटा लेते हो, नहीं तो 2-2 करती रहेगी। ये हटा दिया मैंने। तो इसकी और देखें, ये देखो इसकी डिस्प्ले ऐसी है कुछ, होम जो यहाँ पे इसका मीटर है वो आ गया। इसको प्रेस करके रखने से कुछ होएगा क्या? हाँ, ये देखो यहाँ से इसके मोड चेंज हो जाएंगे। ये दिखने में कैसा है ये देखो, ये जैसे मैंने ये लगा दिया, लगाई अप्लाई करके देखते हैं, अप्लाइंग हो रहा है। देखो कैसा मोड आ गया ये, तो जैसे फ़ोन में थीम चेंज करते हैं ना, वैसे ही चेंज हो रही है। एक बार और चेंज करते हैं, कोई और लगाते हैं, ये लगा के देखते हैं, अप्लाई। देखो कैसी आ गई है। अब इसको एक बार स्टार्ट करके देखूं, स्टार्ट होगी, होगी ना, हाँ आवाज़ भी है। देखें मीटर चेंज हुआ है बस। तो ये कुछ इसकी वीडियो थी छोटी सी। और जो S1 Pro है ना, और S1 है, अगर पानीपत में हम बाय करते हैं तो ये महंगी पड़ती है दोनों, और गैप इनमें 20,000 का है पानीपत में। और अगर हम दिल्ली में इसको बाय करेंगे ना, तो कुछ सब्सिडी वगैरह का सिस्टम लगा के थोड़ा बहुत हमें सस्ती भी पड़ेगी। और यहाँ से तो सस्ती ही पड़ती है, मतलब पानीपत से तो सस्ती है दिल्ली के अंदर, और उनमें ना गैप भी कम आ जाता है, ऑलमोस्ट 5-10,000 का गैप आ जाता है S1 और S1 Pro में, और यहाँ पर तो 20,000 का गैप है ऑलमोस्ट। तो ये कुछ वीडियो थी, अगर आपको पूरी डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल पर न्यू हो तो। और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।